कौन का कमाल आप समझ नहीं पाओगे, जब खाओगे ना तभी आप समझ पाओगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जो आपके साथ में एक रेसिपी लेके आए हैं, बिल्कुल यूनिक तरीका है, डिफरेंट तरीका है, अभी तक आप लोगों ने बना के नहीं खाया होगा तो प्लीज़ ज़रूर बना के खाइए। तो आज हम जो आपके साथ में रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो आज आपके लिए लेके आए हैं हम रेसिपी, आज हम लेके आए मैक्रोनी पास्ता विद कॉर्न। ठीक है, तो ये नई रेसिपी है, नए टेक्निक के साथ में हम रेसिपी आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं, जो अभी तक आपने नहीं देखी होगी, अभी तक नहीं खाई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं मैक्रोनी पास्ता कैसे बनाएं और बिल्कुल न्यू ट्रिक, न्यू स्टाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और रेसिपी हमारी जो भी हम बनाते हैं बहुत दिल से बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं, तो आप भी ज़रूर बना के देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्रोनी पास्ता बनाने की विधि और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल यूनिक तरीका होने वाला है, अभी तक आपने नहीं देखा होगा ये तरीका, तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये ले लिया हमने मैक्रोनी, ये देखिए, और ये ले लिया हमने पास्ता। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैक्रोनी पास्ता की नई रेसिपी, एकदम जैसे आपने नहीं खाई होगी तो आज हम वो बताने जा रहे हैं आपको। ये मैक्रोनी लिया हमने, ये पास्ता ले लिया है, साथ में हमने जो चीज़ें मसाला वगैरह जो लिया है, ये देखिए, हमने दो प्याज लिए हैं, इनको हमने काट लिया आसानी से। यहाँ पर लहसुन लिया है हमने, इसको भी काट लिया है। साथ में हमने यहाँ पर तीन टमाटर लिए हैं, बहुत ही छोटे जो होते हैं वो टमाटर लिए हैं, वो हमने यहाँ पर काट लिए हैं। साथ ही में हमने यहाँ पर देखिए अदरक लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए अदरक लिया है, इनको भी हमने काट लिया है। साथ में हमने यहाँ पर लिया है कॉर्न, ये स्वीट कॉर्न है, मीठे वाले कॉर्न है, तो यहाँ पर लिए हमने। तो अभी जो हम मैक्रोनी और पास्ता को हम उबाल लेते हैं, तो वो हमने गैस पे रख दिया है पानी, ये देखिए। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, ये देखिए नमक डाला है, उसमें ही हमने डाला है पास्ता और मैक्रोनी दोनों डाल दिए हैं। अब इनको उबलने देते हैं, ये देखिए इनको उबलने देते हैं, ये देखिए दोस्तों उबलने लग गया है। और नमक हमने इसलिए डाला है कि वो अंदर तक भर जाए, जो पास्ता मैक्रोनी होते हैं ना वो फीका फीका ना लगे, तो इसलिए नमक डाला है। तो अभी डाल लेते हैं, बिल्कुल इसको पक देते हैं, ठीक है। तो इसको पका लेते हैं पास्ता और मैक्रोनी को। ये देखिए दोस्तों, अभी हम ग्राइंड कर लेते हैं जो भी हमारा मसाला है, हमने इसमें डाला है प्याज, ये देखिए लहसुन और अदरक, ये देखिए, तो इसको ग्राइंड कर लेंगे। प्याज हमने पूरे नहीं डाले हैं, ये देखिए हमने बचा लिए हैं प्याज, हम बाद में यूज़ करेंगे आधा। और यहाँ पर हमने लिए है तीन चार हरी मिर्च, तो इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। साथ ही भी हमने यहाँ पर डाला है थोड़े से कॉर्न डाले हैं, स्वीट कॉर्न, ये देखिए, क्योंकि फ्लेवर बहुत अच्छा होने वाला है, ये देखिए दोस्तों। तो अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, ये देखिए दोस्तों ग्राइंड हो चुका है मसाला जो भी है, ये हमने मोटा मोटा ग्राइंड किया है, ये देखिए। आप भी इसी तरह से कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप कूट सकते हैं, ये देखिए मसाला हम बाहर निकाल लेते हैं, मोटा मोटा ही ग्राइंड करें, ग्राइंड करने जा रहे हैं वो टमाटर, ग्राइंड करने जा रहे हैं तो इनको भी ग्राइंड कर लेंगे टमाटर को भी। ये देखिए दोस्तों टमाटर भी ग्राइंड हो चुका है, ये देखिए हमने पेस्ट बना लिया है टमाटर का भी। अभी थोड़ा जो कॉर्न है ना उसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे, ये देखिए ग्राइंड कर लेते हैं कॉर्न को। हम बताते हैं आपको ग्राइंड करके हम बाद में क्या करते हैं, एक यूनिक रेसिपी है, खाते ही मज़ा आने वाला है। तो कॉर्न का क्या करेंगे वो हम बाद में बताएंगे, तो कॉर्न को हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने कॉर्न को भी ग्राइंड कर लिया है, मोटा मोटा ही किया है ग्राइंड, ये देखिए। इसका क्या उपयोग होगा वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो अभी हमारे सारे मसाले बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं, ये देखिए हमारा पास्ता और मैक्रोनी बिल्कुल उबल के रेडी है, ये देखिए। तो इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये उबल चुके हैं पास्ता, और जो हमने कॉर्न को हमने ग्राइंड किया था वो ही हम उसका पेस्ट लेंगे और जो ये पास्ता है उसके अंदर डाल देंगे, ये देखिए दोस्तों ये बहुत ही यूनिक तरीका है, ये देखिए, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है पास्ता और कॉर्न का, ये देखिए। ऐसे ही जितने भी हमने पास्ता लिए थे उनके सबके अंदर हम डाल देंगे कॉर्न का फ्लेवर, ये देखिए कॉर्न को जो हमने ग्राइंड किया था वो हम डाल देंगे। तो अभी पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों कॉर्न का जो फ्लेवर था वो हमने पूरा भर लिया है, ये देखिए। तो अभी करते हैं जो कि पास्ता मैक्रोनी को फ्राई करने की तैयारी, ये देखिए हमने ऑयल डाला है, देसी ऑयल का उपयोग कर रहे हैं हम, जो कि कड़वा तेल बोलते हैं, ये देखिए। दोस्तों तेल देखिए उबल चुका है, ये देखिए इसमें अब डालते हैं हम प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ये देखिए। और साथ ही में हम डाल रहे हैं पेस्ट जो हमने ग्राइंड किया था, प्याज लहसुन और अदरक का, ये देखिए अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब इसमें डाल रहे हैं हम मिर्च, लाल मिर्च है ये डाली हमने, साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी आधा चम्मच,
और साथ ही में हम डाल रहे हैं इसमें नमक। ये देखें, आप स्वाद के अनुसार जितना नमक खाते हैं आप उतना डाल लीजिए। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और साथ ही में हम डाल रहे हैं टमाटर का जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम डाल रहे हैं। ये देखिए, मिक्स कर लीजिए अच्छे से। तो दोस्तों मसाला पक के बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, अब इसमें डाल देते हैं हम पास्ता एंड मैक्रोनी। ये देखिए मैक्रोनी पास्ता, मिक्स कर लेंगे आप। ये देखिए मिक्स कर लीजिएगा अच्छे से। ये देखिए तो माइक्रोनी पास्ता बिल्कुल अमेजिंग होने वाला है, बहुत टेस्टी होने वाला है। तो एक ये यूनिक तरीका है जिसने पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। अगर आप इस तरीके से बना के खाते हो तो आपका जो माइक्रोनी पास्ता है बहुत ही टेस्टी होने वाला है, बहुत ही गजब होने वाला है। तो अब इसको पकने देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा इसको होने देते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों हमारा जो है पास्ता और माइक्रोनी बिल्कुल बनके तैयार है। माइक्रोनी पास्ता बिल्कुल बनके तैयार है। ये देखिए क्या बात है। अब इसको कर लेते हैं बॉल में और आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना है। खुशबू इतनी मस्त आ रही है, गजब। ये देखिए कर लेते हैं, बहुत ही टेस्टी। अगर आप इसी यूनिक तरीके से आप बनाने वाले हो तो आपका माइक्रोनी पास्ता बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है, बहुत अमेजिंग बनने वाला है आपका माइक्रोनी पास्ता। तो आपको टेस्ट करके बताएंगे कि माइक्रोनी पास्ता कैसा बना है। क्या बात है, खुशबू अलग ही है, अलग ही है। ये देखिए माइक्रोनी पास्ता बिल्कुल बनके तैयार। ये देखिए अब ऊपर से हम कर देते हैं इसमें, आप यकीन नहीं करोगे जो स्वाद अलग ही बढ़ा देता है। ये देखिए इसमें हमने ऊपर से डाला है कड़ी पत्ता। जी हाँ, कड़ी पत्ता, हम धनियों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आप अगर कड़ी पत्ते के साथ में इसको खाएंगे ना ऊपर से गार्निश करके, तो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये देखिए दोस्तों, तो माइक्रोनी पास्ता हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। अभी टेस्ट कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा बना है माइक्रोनी पास्ता। तो अभी कर लेते हैं केक में। ये देखिए आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा बना है माइक्रोनी पास्ता। ये देखिए जो हमने कॉर्न भरा था ना अंदर अभी तक, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। ये देखिए कॉर्न का कमाल आप समझ नहीं पाओगे, जब खाओगे ना तभी आप समझ पाओगे कि कॉर्न का क्या कमाल है, क्या बेहतरीन कमाल है कॉर्न का। तो टेस्ट कर लेता हूँ। अमेजिंग दोस्तों, अमेजिंग। अगर आप इस रेसिपी से बनाने वाले हो ना तो आपका माइक्रोनी पास्ता आप बार बार यही चीज़ बना के खाने वाले हो। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, कल मिलते हैं।